जोश किचन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे सूजी से उपमा। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी किस तरीके से हमें बनाना है, खिला खिला बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल में। कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिससे हमारा घर में भी बहुत बढ़िया उपमा बन सकता है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। हेलो दोस्तों, वीनूज किचन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप इसी तरीके से मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो मुझे इससे और मोटिवेशन मिलेगी और इसी तरीके से मैं आपको नई नई रेसिपियाँ लाती रहूँगी। थैंक यू दोस्तों। हमें रवा उपमा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी ये रवा लिया है जिसे सूजी, तो हमें सूजी ये ध्यान रखना है कि हमें सूजी मोटी लेनी है, बिल्कुल बारीक सूजी नहीं लेनी है। अगर हमें रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल अपना उपमा बनाना है, खिला खिला सॉफ्ट सॉफ्ट, तो हमें अपनी सूजी मोटी ही लेनी है। तो सबसे पहले हमने अपनी कढ़ाई रखी। कढ़ाई में मैंने एक टेबलस्पून देसी घी डाला है। देसी घी से फ्लेवर अच्छा आता है। आप चाहो तो अपना ऑयल भी डाल सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा और इसमें हम डालेंगे अपनी एक कटोरी मैंने जो सूजी ली थी हम इसे वो डालेंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें अपनी सूजी भुननी है, सिर्फ हल्की सी हमें रोस्ट करनी है। इसका कोई कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस हल्की सी रोस्ट करनी है, कलर चेंज ना हो सूजी का, इसका ध्यान रखिए। सिर्फ हमें एक या दो मिनट ही इसे भूनना है अच्छे से चलाते हुए। ये देखिए सूजी हमारी भून चुकी है, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इतना ही भूनना है हमें सूजी को। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हमने वही कढ़ाई फिर से रख दी है, इसमें हम थोड़ा सा अपना ऑयल डालेंगे और मैं थोड़ा सा घी डालूंगी। थोड़ा सा मैंने एक टेबल स्पून ऑयल डाला है और एक बड़ा स्पून भर के मैंने देसी घी डाला है। थोड़ा सा देसी घी मैं और डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसे ऑयल में भी बना सकते हो अपना रिफाइंड में, पर देसी घी थोड़ा सा डालोगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है क्योंकि अब जो हमें सारे सामान हमें अपने पकाना है वो हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे अपनी मूंगफली जिसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। मूंगफली पहले रोस्ट करने से है निकाल लेंगे हल्की सी रोस्ट करके, तो इससे इसका जो क्रिस्पी बना है वो बना रहेगा। अगर मसालों के साथ मैं भूनती रहूंगी मूंगफली को तो वो इसमें कड़वाहट आ जाएगी एक और थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाती है, तो वो मज़ा नहीं आता। तो इसमें आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, काजू बादाम जो भी आपको पसंद हो वो भी भून सकते हैं इसके साथ। हल्की सी रोस्ट करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। ये हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे कटोरी में। तो दोस्तों तेल तो हमारा गर्म ही है, मैंने गैस बंद नहीं करी है, तो इसमें सबसे पहले हम अपनी एक चम्मच सरसों डालेंगे, अच्छे से तड़कने देंगे इसको। इसमें डालेंगे अपनी ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च, मैंने चार पांच हरी मिर्च बारीक काट ली थी। अब इसमें ऐड करेंगे अपनी अदरक, बारीक कटी चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे। अदरक से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उसमें में। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो जिसे अदरक पसंद ना हो। इसको थोड़ा सा भूनते हुए, हमें ये काम सब लो फ्लेम पे ही करना है। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अपनी एक चम्मच उड़द दाल और एक चम्मच हम डालेंगे इसमें चना दाल। इन दोनों दालों से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा उपमे में। इसको अच्छे से हमें भूनना है लो फ्लेम पे ही। ये देखिए दाल भी अच्छे से हमारी गोल्डन हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन अच्छे से भून चुकी है। अब हम अपना ऐड करेंगे इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालना ना भूलें, कड़ी पत्ता मेन है इसमें, जो इसका फ्लेवर है सबसे बढ़िया होता है कड़ी पत्ते का उपमा में। अब इसमें ऐड करेंगे अपनी बारीक कटी हुई एक प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया था। प्याज और को भूनते रहेंगे हम, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे ताकि हमारी प्याज अच्छे से जल्दी से सुनहरी हो जाए।
तो मैंने आधा चम्मच इसमें सॉल्ट डाला है। ये देखिए प्याज भी अच्छे से हमारी गोल्डन गोल्डन हो गई है, लाइट लाइट। इतना ही रखना है हमें प्याज को, और सारा काम हमें लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम टू लो रखनी है हमें अपनी गैस। आइए अब इसमें डालते हैं हम टमाटर, छोटे छोटे कटे हुए टमाटर हैं। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं, नहीं है पसंद तो नहीं डालना। टमाटर के बाद मैं डालूंगी इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है इसमें। जो भी आपके घर में सब्जी अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो, अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी चुकंदर जो मैंने बारीक काट लिया था, आप गाजर भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा चुकंदर डाला है इसमें। इसमें मटर, बीन्स, गाजर, जो आपको पसंद हो। ये देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है अभी इसका, कलरफुल। सिर्फ हमें एक मिनट के लिए अपनी सब्जी को ढक के पकाना है, सिर्फ एक मिनट के लिए लो फ्लेम पे बिल्कुल। जो हमने सब्जियां डाली है, कड़ी पत्ता, प्याज, अदरक, सबका फ्लेवर एक दूसरे में आ जाए। तो एक मिनट हो गया है दोस्तों, आइए देखते हैं, चेक करते अपनी सब्जियां। देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही कलरफुल, बहुत बढ़िया लग रही है। इतना ही पकाना है हमें सब्जियों को, ज्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ हमें एक कटोरी उपमे के लिए हमें तीन कटोरी पानी डालना है, एक दो और ये तीन। थोड़ा सा एक दो चम्मच फालतू डालिएगा पानी, क्योंकि अभी हमें एक स्टेम हमें सब्जियों में लगानी है, ढककर पकाना है, तो उसमें भी पानी एब्जॉर्ब होगा। तो हम थोड़ा सा मैंने एक दो चम्मच और लिया है, ऐड करा है इसमें। इसको अब एक उबाला आने तक हमें अपनी सारी सब्जियों को अच्छे से एक बार और उबाल आने देना है इस पानी को। इस टाइम हम अपनी फ्लेम हाई पे रखेंगे, एक बार एक मिनट के लिए ढक के फिर पकाएंगे। आइए दोस्तों, एक मिनट हो चुका है, अच्छे से उबाल भी आ रहा है, आइए देखते हैं अपनी सब्जी को। अब इस स्टेज पे हम इसे चलाते हुए हमारी बारी आई उपमा डालने की। अब हम इसमें अपना सूजी डालेंगे जो हमने भून के रखी थी, और सूजी हमें गैस हम बंद कर देंगे बिल्कुल, और धीरे धीरे हमें अपनी सूजी डालनी है और इसको चलाते रहना है। धीरे धीरे हमें सूजी डालनी है और इसे चलाना है। ठीक है, आप एक बार गैस बंद कर दोगे तो इसमें गांठे नहीं पड़ेंगी, खट्टा नहीं होगा, और इसको चलाते रहना है हमें। हमने सारी सूजी जो भूनी थी सारी डाल दी है इसमें। अब इसको हम गैस लो फ्लेम पे चलाएंगे। अब ये देखिए सूजी डालते ही इसने सूजी ने सारा पानी सोख लिया है। अब थोड़ा सा और हम इसे एक मिनट तक और पकाना है। अब इस टाइम मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच नींबू है, एक चम्मच नींबू का रस है ये, और एक चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगी शहद। शहद ऑप्शनल है, नींबू भी ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालिएगा, नहीं है पसंद तो स्किप कीजिएगा। ये मैंने एक चम्मच शहद डाल दिया, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है उपमा में। देखिए सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, ये देखिए। अब इसे एक मिनट के लिए हमें इसको अच्छे से, सिर्फ एक मिनट भी बहुत ज्यादा है, कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए इसे हमें ढक के रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो दोस्तों हमें 2 मिनट हो गए हैं, हमारा उपमा रेस्ट कर चुका है, आइए चेक करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया मजेदार बना है, ये देखिए कितनी जल्दी इसने कढ़ाई छोड़ दी है, कोई चिपक नहीं रहा कहीं ऐसे खिला। ये देखिए कितना खिला खिला बढ़िया बना है। तो लीजिए दोस्तों, ये रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा उपमा बनके रेडी है, जो देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना उतना ही खाने में बहुत मजेदार है, इसके फ्लेवर बहुत बढ़िया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें सब्जी डाल के बना सकते हैं,
ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। इसे धनिए से गार्निश करिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है दोस्तों, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।